शुरुआत योगी के कमांडोज से। जी हां, योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए हुए 10 दिन पूरे हो गए, 10 दिन में ही योगी का डंडा चलने लगा है। मंत्री विधायक से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब हरकत में नजर आ रहे हैं। एक्शन ऐसा हो रहा है मानो अपराधियों भ्रष्टाचारियों के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिडन कमांडोज यानी छिपे हुए योद्धा छोड़ रखे हैं। इसीलिए हम सतर्क कर रहे हैं आपको कि योगी के कमांडोज से बच के रहना रे बाबा। योगी के एक्शन से प्रशासन चौकन्ना, मंत्री से लेकर विधायक तक एक्शन में। देखो जा छोड़ दो, मान जाओ छोड़ दो, जा मान जाओ छोड़ दो, अभी मान जाओ। गाड़ी का नंबर नोट कर दो। एक्शन में पुलिस, एक्शन में प्रशासन। इलाहाबाद से लेकर आगरा तक भ्रष्टाचारियों पर गिरी गार्ड। आप लोगों ने अपना रवैया नहीं चेंज किया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ वसूली नहीं होनी चाहिए। आप लोग जागरूक नागरिक बनिए सब। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक छापेमारी, रात में पुलिस की गश्त पर गश्त। जो सीनियर अधिकारी हैं, वो एक एक दुकान पर जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सही रहे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अपराधियों के होश उड़ाने आई योगी की पुलिस। तो परेशान करें पुलिस को तत्काल बताइएगा, ठीक है। अवैध कूचड़खानों में हड़कंप, मन चले मजनुओं की अब खैर नहीं। हरकत में योगी सरकार के हाइट कमांडो। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मन चले हैं। आपको पता है कि उस समय योगी जी की सरकार है, आप लोगों ने अपना रवैया नहीं चेंज किया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ वसूली नहीं होनी चाहिए। आप लोग जागरूक नागरिक बनिए सब। मामला कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। तस्वीरें इलाहाबाद के खुल्दाबाद की हैं, जहां कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक संजय गुप्ता ने ट्रक से वसूली करते 2 पुलिस वालों को रंगे हाथों धर लिया। फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ वसूली नहीं होनी चाहिए। आप लोग जागरूक नागरिक बनिए सब। बिल्कुल हमको जान लेने जा रहे हैं। मैं आपके मोहल्ले का हूँ, सिपाही रंगे हाथों पकड़े गए तो गिड़गिड़ाने लगे, माफ करने की दुहाई देने लग गए। आसपास के लोग भी विधायक संजय गुप्ता के समर्थन में आ गए। और कहीं पर आप लोग स्वयं योगी जी की सरकार है, स्वयं निकलिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी मुहिम चल रही है। आपको बता दें कि खुल्दाबाद थाना कौशाम्बी से इलाहाबाद में घुसते ही पड़ता है। ट्रकों के शहर में आने के एकमात्र रास्ते में ये थाना पड़ता है। आरोप लगता है कि इस थाने पर पोस्टिंग के लिए पुलिस वाले भी मोटा माल लेकर आते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ट्रकों से आए दिन लाखों की वसूली होती है, लेकिन यही वसूली 2 पुलिस वाले अनिल उपाध्याय और भरत को भारी पड़ गई। विधायक ने दोनों की शिकायत सीधे SSP से कर दी। एक ट्रक रुका, उसने नोट निकाला, सिपाही ने नोट लिया और उसके बाद वो ट्रक आगे बढ़ गया। मैंने जाकर उस ट्रक को रोका, उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि हम लोग क्या रोज़ यहाँ पैसा देते हैं, खुलेआम वसूली होती है। मैं वापस आया, उन सिपाहियों से मैंने पूछा तुमने कितना पैसा लिया है, ये मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। पुलिस वालों ने बताया कि हाँ सर, हमने इतना पैसा लिया है, उन्होंने पैसा वापस भी किया। विधायक की शिकायत पर कार्रवाई हुई और दोनों सिपाही लाइन हाजिर कर दिए गए। इसीलिए हम कह रहे हैं बच के रहना रे बाबा। ये विधायक जी द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी कि एक थाना खुल्दाबाद में 2 कांस्टेबल हैं जो वाहन गुजर रहे थे रोड से, उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। उस कार्रवाई पे फिलहाल उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। इलाहाबाद में भ्रष्टाचारी पुलिस वाले नब गए तो आगरा में भ्रष्टाचारी बस कंडक्टर पर गाज गिर गई। रंगे हाथों धरे गए तो जान बचाने के लिए जान देने की नौटंकी शुरू कर दी। कंडक्टर साहब अधिकारी की गाड़ी के आगे ही लेट गए। दरअसल आगरा के फतेहाबाद की रोडवेज डिपो की गाड़ी नंबर 9268 का कंडक्टर
मनीष यात्रियों से पैसे लेकर बिना टिकट ही यात्रा करवा रहा था। पकड़ा गया तो गिड़गिड़ाने लगा, आत्महत्या तक करने की धमकी दे डाली। देखो जा छोड़ दो, आगरा में टीसी ने बस का औचक निरीक्षण किया, 17 यात्री बिना टिकट ही पकड़े गए। कंडक्टर ने यात्रियों से कम पैसे लिए ताकि टिकट न देना पड़े। कार्रवाई के डर से कंडक्टर पहले तो टिकट मशीन ही नहीं दे रहा था। अधिकारी नहीं माने तो ये कंडक्टर अधिकारी की गाड़ी के आगे लेट कर छोड़ देने की गुहार करने लगा। लेकिन अधिकारी नहीं माने और कंडक्टर की संविदा को खत्म कर नौकरी से निकाल दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं योगी सरकार से भ्रष्टाचारियों बच के रहना रे बाबा। उधर लखनऊ में भी आराम फरामोश अधिकारी नप गए। योगी का डंडा चला तो आईजी खुद औचक निरीक्षण पर निकल गए। आईजी की गाड़ी देख पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया, पुलिस वाले अंदर से बाहर होने लगे। आईजी जोन ए सतीश ने लखनऊ के डालीगंज पुलिस ऑफिस की जांच की और समय से ऑफिस नहीं पहुंचने पर सब इंस्पेक्टर नेहा पांडे को सस्पेंड कर दिया। बिना वर्दी के टहल रहे पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। कांस्टेबल जयप्रकाश वर्मा, विजय कुमार रजक, संजीव कुमार और अभय सिंह को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, लापरवाही के आरोप में 7 पुलिस वालों का वेतन भी काटने का आदेश दे दिया। प्रातः जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बाद भी कई कर्मचारी लेट आए या कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो पुलिस विभाग के थे जिन्होंने निर्धारित वर्दी आज धारण नहीं करी थी, तो ऐसे कुल मिला के टोटल 4 आरक्षी स्तर के अधिकारी थे जिन्होंने निर्धारित वर्दी नहीं धारण करी थी, उनका निलंबन हमारे द्वारा किया गया है। समझ में नहीं आता कि यही पुलिस वाले पहले भी थे, लेकिन तब ऐसी फुर्ती क्यों नहीं होती थी। ये सीएम योगी के एक्शन का ही कमाल है कि आजकल पुलिस रात रात गश्त कर रही है। इसकी वजह है सीएम योगी का ट्वीट। व्यस्त बाजारों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल घूमकर जनता में विश्वास पैदा करें। योगी के इस फरमान के बाद लखनऊ के व्यस्त माने जाने वाले इलाके हजरतगंज और जनपद में पैदल गश्त के दौरान एसएसपी मंजिल सैनी लोगों से बातचीत करते दिखे। कोई दिक्कत तो नहीं है, छेड़खानी तो नहीं होती है। लखनऊ में सीएम योगी के आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा था। डेली निकलने के लिए आदेश हुए हैं जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने किए हैं और डीजीपी साहब का भी आदेश, फुट पेट्रोलिंग का ऑफ एंड ऑन हम लोग करते रहते हैं। तो हम लोगों ने इसको एंटी रोमियो और हमारा जो और अभियान चल रहे हैं जैसे इंक्रोचमेंट हटाने का, ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का, इसको हमने अपनी फुट पेट्रोलिंग के साथ क्लब किया है। यही हाल नोएडा और गाजियाबाद का भी है। पुलिस वाले यहाँ भी रात को बाजार में गश्त लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसी ही कानून व्यवस्था रही तो अपराध में जरूर कमी आएगी। खैर, पुलिस वाले हरकत में हैं तो योगी के मंत्री भी मोर्चा संभाले हुए हैं। परिवहन मंत्री स्वतंत्र सिंह खुद रोडवेज बसों का मुआयना करने निकले। मंत्री जी ने बसों में जाकर यात्रियों का हालचाल पूछा। वहीं उत्तर प्रदेश में नकल के नटवरा लाल अब नहीं बचने वाले। नकल पर नकेल कसने के लिए योगी के कमांडोज एक्शन में हैं और सरकार ने अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। दरअसल पिछले कई दिन से राज्य के अलग अलग इलाकों से परीक्षा को बदनाम करने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप, यहाँ कोई खिड़की पर लटका हुआ है तो कोई खिड़की पर जाकर बैठ गया है। ये तस्वीरें मथुरा की है। खिड़की पर लटकने का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ कोई सेना की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट हो रहा है या फिर पुलिस भर्ती के लिए ये लोग यहाँ दीवार पर चढ़कर कोई टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ ये लोग खिड़की पर इसलिए चढ़े हुए हैं ताकि अंदर कमरे में बैठकर इम्तिहान दे रहे अपने परिचित को पर्चियां पहुंचाकर नकल करवा सके। मथुरा के इस इंटर कॉलेज में 10वीं की परीक्षा के दौरान नकल की ये तस्वीरें सोमवार की हैं। अंदर अंग्रेजी का पेपर चल रहा है और बाहर से नकल करवाने वाले लटक लटक कर पर्चियां पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को जब जानकारी मिली तो फौरन इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। यूपी सरकार ने नकल रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0522-2236-760 जारी किया है। इसके अलावा शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9454-5724-1 भी जारी किया गया। सूबे के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि नकल रोकने के लिए पूरी परीक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है और इस पर काम शुरू हो गया है।
और मैं समझता हूं कि पुराना ढर्रे में बदलने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज परीक्षा खत्म होती है तो कल से ही हमें उसकी एक नीति तैयार अगले वर्ष के लिए करनी होगी और उसके लिए हम रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। दिनेश शर्मा ही नहीं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र पांडे तो खुलकर नकल के लिए पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा तंत्र की जो रचना, ये सब पिछली सरकार के जमाने में हुआ। उसकी मानसिकता क्या रही है 14-15 वर्षों जो उत्तर प्रदेश ये 2-3 सरकारों के बीच चला है, सारा समाचार जगत और सारी जनता उसको जानती है। और चुनाव के परिणाम के खत्म होते ही दूसरे दिन से परीक्षाएं शुरू हुई हैं, फिर भी हमारी सरकार के रुख के चलते प्रदेश में बहुत साफ सुथरी परीक्षा हो रही है। बात तो सही भी है क्योंकि परीक्षा की तैयारियां तो अखिलेश के राज में ही हो गई थी, लेकिन योगी राज में भी नकल के नकालों पर असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि नकल की ऐसी तस्वीर सिर्फ एक सेंटर से नहीं आ रही, जगह जगह से रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।